अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड गुड। आई एम मैम हिफ्ज़ा। सो टुडेज़ गुड मैसेज इज़ हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज रिलेटेड टू वर्ब। ओके, ओपन योर कॉपीज। यस, प्रिपेयर योर कॉपीज फॉर today's exercise. It's exercise related to verb. Okay, we have to underline the verb in each sentence. So before starting it, let me know all of you. Okay, let me know all of you know. All of you know about verb. What is a verb? Yes. Okay, Sohail. Ji bache. What's wrong? अब आ रही आवाज़ सबको? ओके बच्चे, टेक आउट योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज। ओके, इट्स रिलेटेड टू वर्ब, बट बिफोर स्टार्टिंग इट, लेट मी नो ऑल ऑफ यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज़ अ वर्ब, नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब और नॉट। यस, हु इज़ गोइंग टू डिफाइन द वर्ब? यस, व्हाट इज़ अ वर्ब विद गुड एग्जाम्पल? जी कौन बताएगा? यस, ये तो आपको पता है, आपने क्लास 4 में भी इवन पढ़ा होगा, क्लास 5 में भी पढ़ा होगा। नाउ यू आर इन क्लास 6, सो यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज़ अ वर्ब। हु इज़ गोइंग टू टेल मी द डेफिनेशन? और आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अपने वर्ड्स में भी बता सकते हो। यस, हु विल एक्सप्लेन इट? ओके सच, आप सारे जो है अपनी वीडियोज़ ऑन कर ले, क्योंकि मुझे नज़र आए, ठीक है, काम आपका, आप जब लिखोगे तो मुझे नज़र आए। यस, हु इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्ब? यस मौज़म, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। यस मौज़म, बच्चे यू नो व्हाट इज़ अ वर्ब? एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज़ अ वर्ब? ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट तो होगा ना कोई आपका? बच्चे कैन यू हेयर मी? ओके हफ्सा उमर, जी बच्चे यू वॉन्ट टू टेल? यस हफ्सा उमर, हफ्सा उमर बच्चे अनम्यूट योर माइक। जी कैन यू हेयर मी? वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन। Yes, good. A verb used to describe any kind of action. Gee, a good example. Yes, if you know any example related to this. Verb used to describe action or state. State. Yes, good. Excellent. Okay, now who is going to tell me example? You know about any example? Gee, Hafsa Umar, bache, aapko example aati hai is related? Yeah. Ali walks in the morning. Okay, so what is the verb in the sentence? Is sentence mein verb kya hai? Jacob. No, verb kehte kaise? Abhi aapne mujhe kya kaha? It's an action, yani koi kaam. To isme dekhe kaam kya ho raha hai? Ji bachche. Ma'am, walking. Walking, excellent, yes. किसी काम का होना, ठीक है, या करना, उसको कहते हैं verb. Any action, any doing action, कोई भी काम हो. So, आपने जो sentence बताया बिल्कुल सही था, उसमें जो है हमारे पास अली इज़ वॉकिंग और वॉक जो भी आपने बोला था, सो वॉक और वॉकिंग इज़ द वर्ब, क्योंकि ये काम है, क्योंकि ये काम है, ठीक है. ओके यस, एनी वन एल्स हू वॉन्ट टू टेल मी व्हाट इज़ अ वर्ब? अब तो सबके लिए ईजी हो गया होगा, आप कोई और मुझे बताएं विद अनदर गुड एग्जाम्पल. Yes, who is going to tell me? Hashir, okay, Hashir, आप बताएं. Yes, Hashir, unmute your mic. बच्चे can you hear me, Hashir? कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो तो आप जो है मुझे बताएं, एटलीस्ट मुझे समझ आए कि आपको कॉन्सेप्ट है अबाउट वर्ब और नॉट. Yes, Hashir, can you hear me? Okay, I think there is internet problem. Yes, Muazzam. Muazzam, bache, aap batayein. Do you know what is a verb?
और जस्ट एग्जांपल बता दें. बच्चे नो वन, यू आर नॉट एबल टू डिफाइन द वर्ब. यस मौजम जी. बच्चे कैन यू हेयर मी? यस बच्चे, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. यस मुअज्जम बच्चे, कैन यू हेयर मी? बच्चे रिपीट इट अगेन, थोड़ा सा दोबारा बता दें. यस वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. ओके गुड एक्सीलेंट. यस एनी एग्जांपल यू वांट टू टेल, यू वांट टू शेयर एनी एग्जांपल? एग्जांपल वॉकिंग. नहीं बच्चे सेंटेंस पूरा बोले ना. वॉकिंग तो हो चुका है, कुछ और बता दे. और भी बहुत सारे काम होते हैं, एक्शन काम होते हैं. अब हेल्पिंग. हेल्पिंग यस. सो पूरा सेंटेंस इससे सेंटेंस बनाए. आई एम हेल्पिंग द ओल्ड पर्सन, इट कैन बी अ गुड एग्जांपल. सो हेल्पिंग इज अ वर्ब हेयर. गुड. यस खदीजा जी. बच्चे नाउ यू टेल मी अ गुड एग्जांपल रिलेटेड टू वर्ब. Then we will move towards the exercise. Ji Khadija, can you hear me? Good morning, ma'am. Good morning, yes. Bachche, do you know what is a verb? Yes, Khadija. Do you know what is a verb? You have any concept, any idea? What is a verb and if you can define it in a good example? Khadija bachche, can you hear me? Okay, I think there is internet problem over there. Yes, okay, Suhail. Bachche, now you tell me a good example related to verb. I just want to know that you have concept of verb or not. Khadija bachche, can you hear me? Yes, Khadija Usman. Bachche, tell me a good example. If you know about a good example related to verb. मैं मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है. कोई बात नहीं बच्चे, अभी मैं स्टार्ट में ही हूँ. मैं वर्ब के बारे में पूछ रही हूँ. डू यू नो वट इज़ अ वर्ब? या आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा. डू यू नो? अपने वर्ड्स में बता दे. इट्स ओके इफ़ यू डिडंट नो अबाउट एनी डेफिनेशन. You can define it in your own words. Urdu mein bata de, it's okay. Do you know what is a verb? No? Okay. Yes, Suhail. Suhail bache, do you know what is a verb? Or if you know any good example? Suhail, can you hear me? Yes, Suhail. Okay, that's good. You can repeat it again because आपकी voice थोड़ी clear नहीं थी. दोबारा बता दें. Yes. And the word show action. Excellent. A word showing action. And the word show action. Yes, बच्चे good. Now, if you know any good example. No? Drive. Yes? Then driving, grinding, cooking. Yes, good. Driving, cooking, cleaning, even you can say reading. So that's good. Khadija, I hope ab aapko clear ho gaya hoga. Theek hai?
ओके सो वर्ब इज एन एक्शन, ठीक है, एनी एक्शन ऑफ कोई भी काम हो, एनी एक्शन डूइंग यू आर डूइंग और एनी वर्क यू आर डूइंग, ओके सो इट्स एनी एक्शन. नाउ दीज आर सेवन सेंटेंसेस. इट्स एन एक्सरसाइज, आपने इसको करना है इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में. सो टेक आउट योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी, ड्रॉ द मार्जिन लाइंस, प्रिपेयर योर पेजेस एंड राइट डेट एंड डे. आई एम वेटिंग फॉर यू, हरी अप. ओके सुहेल, नाउ इट्स क्लियर. ओके सो गिव द हेडिंग ऑफ एक्सरसाइज एंड अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग विद ब्लू मार्कर, ठीक है. बाकी सारा आपने ब्लू इंक पेन से करना है, जैसे मैंने किया है, जैसे मैंने किया है. एंड यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ब हेयर, ठीक है. सो गिव द हेडिंग ऑफ एक्सरसाइज एंड देन राइट द स्टेटमेंट, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग. बच्चे इट्स ऑलरेडी जूम, ठीक है, आपको जूम और ज़्यादा हो जाएगा तो देन इट्स इट वॉन्ट बी क्लियर. ओके डन विद द हेडिंग और नॉट, आई एम वेटिंग फॉर यू, हरी अप. आफ्टर दैट राइट डाउन द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज यू शुड हेल्प, यू शुड हेल्प योर मदर, इट्स नॉट अर, यू शुड हेल्प योर मदर. ओके यू शुड हेल्प योर मदर. सो हेल्प इज़ अ वर्क, इट्स एन एक्शन, इट्स अ इट्स एन स्टेट ऑफ बीइंग. ओके ये आपके पास एक काम है. सो हेयर यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड हेल्प. बच्चे इसको ब्लू मार्कर से या किसी चीज़ से आपने लिखना नहीं है, ओके. यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस विद ब्लू इंक पेन एंड जस्ट अंडरलाइन दिस विद ब्लू मार्कर. You should help your mother. So help is a verb. Help is a verb here. You should help your mother. Done. लाइन शुड बी वेरी स्ट्रेट, किसी ने हाथ से नहीं लगानी. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर स्केल, ठीक है, स्केल की हेल्प से आप जो है क्या करें, लाइन आपने ड्रॉ करनी है हेल्प के, हेल्प जो वर्ड है आपके पास उसके नीचे, ठीक है. यू शुड हेल्प योर मदर, अंडरलाइन द वर्ड हेल्प. डन. ओके Look at number second. How many books have you brought? Number second. How many books have you brought? How many books have you brought? So brought here is a verb, ठीक है, underline the word brought. How many books have you brought? Question mark. Done. ओके स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, मैंने आपसे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस शेयर करना है. आपने क्या करना है कि आपकी जो आपका सारा काम, आई होप अब तक सारी कॉपीज़ का कंप्लीट हो चुका होगा. मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, नॉट सिर्फ इंग्लिश की बात करी, ठीक है. आपको मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, आई थिंक यू हैव सिक्स और मोर देन सिक्स सब्जेक्ट्स. या फिर अगर आपके पास
सुहेल बच्चे पहले लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके okay? देन मैं आपको समझाती हूँ कि आपने करना क्या है. सो आपने क्या करना है, एंड आई विल शेयर दिस पिक्चर इन द ग्रुप, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके. पहले मेरी बात सुन लें. अच्छा, आप सब ने क्या करना है, आई होप आपका सारे सब्जेक्ट्स का काम टिल नाउ अब तक का सारा काम कंप्लीट होगा. इफ़ नॉट देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आपने करना क्या है कि 5th of September को आपने सारा जो आपका जो जिस कॉपी में या वर्क बुक में या जिस चीज़ में भी मैथ्स की बुक होती है, बाकी चीज़ें होती हैं जिसमें रिटन काम हुआ है, ठीक है, रिटन काम की बात यहाँ हो रही है, आपने वो सारा रिटन काम, वो जो कॉपीज़ हैं अलॉन्ग विद जो भी वर्क बुक्स, जहाँ भी आपने काम किए, जो चेकिंग के लिए है, जो टीचर चेक करती है, आपने उसको एक शॉपर में रखना है, ठीक है. यू हैव टू राइट योर नेम ऑन द शॉपर, ठीक है, उस पर नेम और क्लास मेंशन करें. और बच्चे आपकी जो कॉपीज़ के अंदर इनिशियल्स होते हैं दैट मस्ट बी फिल्ड, जिसके इनिशियल्स फिल नहीं होंगे उनकी कॉपीज़ चेक नहीं होंगी, वो वापस एज इट इज़ आ जाएंगी. आपने शॉपर में सारे जो कॉपीज़ चेकिंग का वर्क है, जो टीचर ने चेक करना है, आपने उसमें रख के वो भेजना है सीनियर कैंपस, ओके. सीनियर कैंपस आपने कॉपीज़ भेजनी है, और कहाँ पे, उस पर शॉपर को आपने विदाउट नॉट किए बगैर नहीं भेजना, उसको बांध के भेजना है. जिसका शॉपर खुला हुआ या जिसमें जो है कॉपीज़ दो तीन हाथ में ऐसी भेज दी, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट, ओके. आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ. 5th of September जो कि सैटरडे है आपके पास, तो आपने सारी कॉपीज़ को एक शॉपर में डाल के उसके ऊपर परमानेंट मार्कर से अपना नाम और क्लास वगैरह मेंशन कर ले, ठीक है, एंड शॉपर के ऊपर. और जो आपकी जो कॉपीज़ हैं उनके जो इनिशियल्स हैं या बाहर जो कवर पेज है उस पर भी आपका नेम, क्लास, एनीथिंग जो भी वो मांगा होता है तो वो मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जिसका कुछ भी मिसिंग हुआ वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट, ओके. आई होप यू अंडरस्टूड. और आपने अपनी वो सारी कॉपीज़ भेजनी है सीनियर कैंपस ऑन 5th of September, ओके. Any confusion, तो you can ask me. और बच्चे जिसका काम अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सब्जेक्ट का कम्प्लीट नहीं है, ख़ासकर मेरे सब्जेक्ट का, तो बच्चे ये कम्प्लीट कर लें, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है. वी हैव टू चेक योर वर्क. जिसका रह गया सो आपके लिए भी बर्डन होगा, ओके. यस सुहेल, यस बच्चे, आप देखिए जैसे मैंने कोर्स बुक पे आपको एक्सरसाइजेस करवाई थी, राइट, तो आपने जो है कोर्स बुक भी साथ भेजनी है, ओके, क्योंकि उसमें मैंने एक्सरसाइजेस करवाई थी. तो अब अब जैसे मैथ्स, आपके पास मैथ्स की वर्क बुक भी होती है, टेक्स्ट बुक भी होती है, आई थिंक सो. सो आपने अगर वर्क बुक पर काम किया है तो आपने जिस पे, मतलब आपको पता है ना कि टीचर ने जो काम चेक करना है वो आपने भेजना है. बच्चे योर नेम शुड बी रिटन ऑन योर बुक एंड ऑन योर कॉपीज, क्योंकि अगर मिसप्लेस हो जाए तो ये फिर जो है ना आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, ठीक है. सोहेल, सिर्फ बुक नहीं भेजनी, कॉपीज़ भी भेजनी है. बच्चे आपने कॉपीज़ पे रिटर्न काम किया है ना, मैंने तो लैंग्वेज में भी करवाया है, इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी भी होनी चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी भी होनी चाहिए, इसी तरह मैथ्स, उर्दू, सारी कॉपीज़ की बात यहाँ हो रही है, सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही. बस जिस में आपने रिटर्न काम किया ना, वो आपने सारा एक शॉपर में डाल के उसको नोट करके उसको, यानी उसका उसको बांध के, और उसके ऊपर जो है परमानेंट मार्कर से अपना नेम, क्लास मेंशन करना है, एंड यू हैव टू सेंड इट टू सीनियर कैंपस ऑन 5th of September. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो द क्लास इज ओवर हियर. आई विल शेयर द पिक्चर इन द ग्रुप. यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ओके. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.